बिंदु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर। जुलाई 2022 से संबंधित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स ARO द्वारा रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिए जाएंगे। अग्निवीर भर्ती में भी कई वर्ग होंगे, सेना की बात कर रहे हैं, थल सेना की। अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर, ये एक ही कैटेगरी का नाम है। अगली कैटेगरी है अग्निवीर क्लर्क स्टोरकीपर टेक्निकल। अगली कैटेगरी है अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास। इसके बाद की कैटेगरी है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, वेबसाइट से ही रैली स्थल पर वो इसे अपने साथ ले जाएंगे। इन सब के लिए तिथियों का ऐलान अलग से होगा। उम्र का निर्धारण 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से होगा। इस साल की भर्ती 17.5 से लेकर के 23 साल के युवाओं के लिए खुली है। वैसे 21 साल अपर लिमिट है, लेकिन इस साल 2 साल की छूट दी गई है। अगला बिंदु, रैली स्थल पर एडमिट कार्ड के साथ 20 पासपोर्ट साइज तस्वीरें ले जानी होंगी। सफेद बैकग्राउंड पर तस्वीर खींची जाए, बाल कटे हो और दाढ़ी आपकी बनी होनी चाहिए। बालों के मामलों में सिख अभ्यर्थियों को छूट रहेगी। साथ में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज जैसे मार्कशीट वगैरह भी ले जाइए। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट इत्यादि भी साथ ले जाइएगा। सबसे जरूरी चीज आधार कार्ड अवश्य रूप से ले जाइए, ये रैली स्थल पर चेक होगा। रैली में वही शामिल हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हो। बोनस मार्क्स के लिए अगर NCC या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं तो इन्हें रैली स्थल पर साथ ले जाइएगा, बाद में इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद मेडिकल जांच होगी। इसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड रैली स्थल पर ही आपको मिल जाएगा। सेवा के दौरान अग्निवीरों को नियमित मेडिकल चेकअप, फिजिकल, लिखित परीक्षाओं और फील्ड टेस्ट से गुजरना होगा। इनमें प्रदर्शन को स्थायी काडर में नियुक्ति के वक्त देखा जाएगा। अग्निवीरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी जाने वाली बीमा पॉलिसी ECHS, कैंटीन या दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, न ही भूतपूर्व सैनिक ही माना जाएगा। मेडिकल ब्रांच में टेक्निकल काडर को छोड़कर सारे सैनिक अग्निपथ के जरिए ही भर्ती किए जाएंगे थल सेना में। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते छुट्टी डॉक्टरी सलाह पर ही मिल पाएगी। स्थायी काडर में नियुक्ति अग्निवीर का अधिकार नहीं होगा, यह सेना के अधिकार क्षेत्र का विषय होगा। सेना मौका सबको देगी, सेना के जरूरतों के मुताबिक 25% तक अग्निवीरों को स्थायी काडर में जगह दी जाएगी। जो अग्निवीर स्थायी काडर में लिए जाएंगे उन्हें सेवा निधि का उतना ही हिस्सा मिलेगा जो उनकी तनख्वाह से कटा होगा, साथ में ब्याज। इसे ऐसे समझिए कि जो अग्निवीर सेना से बाहर होंगे उन्हें करीब 11.5 लाख मिलेंगे, करीब करीब। इसमें से आधा पैसा तनख्वाह से कटा होगा और आधा सरकार अपने पास से देगी और फिर इन दोनों पे मिलेगा ब्याज। लेकिन जो अग्निवीर स्थायी काडर में शामिल होंगे उन्हें 5.5 लाख के लगभग ही मिलेंगे, मतलब सरकार वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। 4 साल के सेवाकाल के बीच में अपनी मर्जी से छोड़ने वाले अग्निवीरों को भी सेवा निधि का वही हिस्सा मिलेगा जो तनख्वाह से कटा होगा, सरकार वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। वैसे छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस में ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रजामंदी से ही आप सेवा छोड़ पाएंगे। अग्निवीरों को महंगाई भत्ता या मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेंगे, उनकी तनख्वाह एक अलग पैकेज के तहत ही रहेगी जो कि इस नोटिफिकेशन का हिस्सा है। अग्निवीरों को 48 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा, वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड EGIF के तहत मिलने वाले लाभ नहीं ले पाएंगे। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बेटों को ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर, सीने में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलो की छूट मिलेगी। यह हम भर्ती का बता रहे हैं आपको। वीर नारियों के दत्तक पुत्रों, जो गोद लिए बच्चे होते हैं, और पुत्र न होने पर दामाद को भी यह छूट मिलेगी, बशर्ते गोद लेने की प्रक्रिया सैनिक के जीते जी पूरी। देखिए, जैसा कि इसमें सब बताया गया है कि जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको भर्ती होना होगा, ये सारे नियम मैंडेटरी हैं सभी के लिए। अब तो देखिए, इस तीनों सेना प्रमुखों ने कह भी दिया है कि इसको हम खारिज नहीं करेंगे, तो भर्ती आने ही वाली है, सरकार नहीं मानेगी। आप लोग कुछ मत करिए इसके लिए, दंगा फसाद कुछ मत करिए, आप लोग अपने अपने तैयारियों में जुटिए। इसको मौका मिलता है आप ज्वाइन करिए, अगर आप बहुत ही अच्छे होंगे तो आपको उन 25% में रखा जाएगा जिनको स्थायी करना है, नहीं तो आपके पास जो पैसा आएगा आप उससे अपना कुछ रोज़गार देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँच सके क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।